हेलो गाइस, आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारे दूसरे खेत पर, जो कि लक्ष्मणगढ़ से सजनपुरी भैरपुरी को जो रोड जाता है उस पर है। ये वही रोड है, ये देखिए। कम से कम हम 100 125 मीटर तो हम चल लिए हैं और अभी बहुत चलना है हमें सड़क पर। ये देखिए, हम दोनों जा रहे हैं वहीं पर। ये मेरा दोस्त है, इसका ब्लॉग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, चलो चलते हैं, आज वहीं का खेत हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर साधन भी चल रहे हैं बहुत तेज। यहाँ पर ये गाड़ियाँ चलाते हैं इस रोड पर, क्योंकि यहाँ पर ये एक भी ब्रेकर नहीं है। चलो चलते हैं आगे। मौत से डर नहीं लगता, मतलब ऐसे ऐसे चलाने वाले यहाँ पर चलते रहते हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं, अब हमारी छतरी आ चुकी है, वो हमारा सूरम बाबा है। तो ये देखिए, इस छतरी का वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस छतरी का वीडियो आपको अलग से डाल दिया है। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं हमारे खेत पर, जो कि अब बस पास में ही आ चुका है। चलो और चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर सुबह के टाइम घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। और चलो चलते हैं, यही सही हमारे खेत पर चले जाते हैं। ये आ गए हम, तो ये रास्ता जा रहा है, ये सड़क से उतर चुके हैं, वो सड़क रही, ये कुंडी है पानी की। चलो चलते हैं और आगे। ये रास्ते में हम आ गए, आपको देखो वो हमारे पूंछ लग रहे हैं। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो फिलहाल ही में हम पहुंच चुके हैं हमारे खेत पर, जो कि हमारी सिरसू है। तो उसको आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें हमने दो तरह का बीज घेरा था यहाँ पर, एक तो ये है और एक उधर है, वो जिसमें फूल खिल रहे हैं वहाँ पर, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये यहाँ पर हमारा एक नीम का पेड़ गिरा हुआ है, इसके पास में है ये सरसों। तो ये उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें टाइम पर पानी लग गया है। दोस्तों, जब टाइम पर जब पानी लगता है, तो सरसों का जो फुटाव होता है उसको देखिए वो कैसा हमें दिखाई देता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें हमने दिया है, आपको पता है फुटाव का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने खाद दिया है और सागरिका भी दी है उसमें मिलाकर, और भी कई टॉनिक हमने इसमें मिलाकर दिए हैं, तब जाकर ये सरसों ऐसी बन पाई है। और अच्छी, अब ये देखिए, अब ये बन जाएगी। और अब ये टाइम रहते रहते ही धीरे धीरे सब कुछ काम होता है। ये देखिए, इसका मतलब काफ़ी अच्छी सरसों अब हमें देखने को मिली है। और दोस्तों, वो जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया था, उसमें लेट पानी लगा था। ये देखिए, इसमें पेड़े भी खूब होने वाले हैं, जो कि जलाने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों, इसमें पेड़े भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, जो कि जलाने के लिए काम आते हैं, और रोटी वोटी बनाने के लिए वो काम आ जाते हैं। और क्या है, लकड़ियों की कम खपत होती है जब ये फेड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा सरसों हमें आपके दिखाई दी है। और पानी देते ही जो फूल आता है ना, वो रुक जाता है और जो पेड़ है वो फुटान करने लगता है, मोटा होने लगता है। तो उस सरसों को भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ, जिसमें पहले ही फूल आ गया था। ये देखिए दोस्तों, ये तो वो सरसों है जो मैं अभी आपको बता रहा था। और वो देखिए, ये एक ही दिन की बुआई है, घंटे आध घंटे का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। उसमें सारी में फूल आ गए हैं। पहले तो वो अच्छी लगती थी क्योंकि ये छोटी थी, और अब वो जब ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो अब अच्छी नहीं लग रही है, और ये अच्छी लगती है क्योंकि इसमें पानी टाइम पर लग गया, उसमें पानी लेट लगा है, क्योंकि उसमें फूल आ गया तब पानी लगा था। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं चने के पेड़ दिखाते हैं, जिसे हम टाट बोलते हैं, और लोग बाग टाट खाते भी हैं। और अब हम पेड़ों को आपको दिखाते हैं, टाट का पेड़ कैसा होता है। बहुत लोगों ने अभी तक टाट का पेड़ नहीं देखा होगा। चने का पेड़, जो चने खाते हैं हम बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, भिगो के चने खाते हैं, वो चने इसमें होते हैं गाइस। ये देखिए चने के पेड़, ये देखिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ हमने क्या है। ये जो नीम का पेड़ हमारा यहाँ पर गिरा हुआ है ना, इसमें क्या है, हमने चने के पेड़ बो रखे हैं। ये देखिए चने बो रखे, देखिए ये है चने, जो इनको हम खाते हैं अभी भी। ये देखो, ऐसे तोड़ तोड़ के खाते हैं। ये देखिए,
डर गया। ये दोस्तों इसमें डर भी रहता है सांप सड़ूके का, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेड़ गिरा हुआ है इसमें हो भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो क्या है जो कहते हैं ना जाड़ा पड़ रहा है, तो सांप सड़ूके कहाँ है, सब घुस जाते हैं अपने बिलों में, वहीं पर क्या है गर्माई रहती है अंदर, तो वो इन दिनों में निकलते बहुत कम है। तो ये देखिए ये मेरा दोस्त यहाँ पर टांट खा रहा है अभी, चना, चना का पेड़ जिसकी हम सब्जी बनाते हैं वो खा रहा है ये देखिए। तो दोस्तों इसको अब खाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये पेड़ है ना जो खट्टा मीठा हमें लगता है। और दोस्तों अब देखिए मैं भी खाता हूँ एक, ये देखिए ये है चना, ये हमने खा लिया है। तो गाइस हमने हमारी सरसों भी दिखाई और चने के पेड़ भी दिखाए आपको। तो दोस्तों आप भी अपने कहीं आसपास दूर जो खेत होते हैं ना जहाँ पर पानी की आशंका नहीं होती देने की, तो वहाँ पर चने बोए जाते हैं, तो क्योंकि चना का जो पेड़ है वो बगैर पानी के ही पैदा होता है, अगर बरसात हो जाए तो राम भला, नहीं हो तो भी वो हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिन भाइयों ने भी चने के पेड़ नहीं देखे हो तो हमने उनको दिखाया है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और इसके बाद हम और भी अच्छा व्लॉग लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे व्लॉग पर। थैंक यू।